16 जून को मंत्री बुला रहे, 16 जून की सुबह 10 बजे वही अटराज होती स्टेट में एडीएफ का अध्यक्ष पाठक, एडीएफ का जनरल सेक्रेटरी श्री कुमार, आईडीडब्ल्यूएफ का अध्यक्ष अशोक सिंह, जनरल सेक्रेटरी श्रीनिवास, बीपीएमएस का वाइस प्रेसिडेंट साधु सिंह, जनरल सेक्रेटरी मुकेश, छह लोग बैठ गए। यह डॉक्यूमेंट तैयार कर रहा है, हम कॉर्पोरेशन का विरोध में हैं, उसको विड्रा करना पड़ेगा। हम एचआर का खिलाफ में हैं, उसको विड्रा करना पड़ेगा। हम केंद्र सरकार कर्मचारी करके नौकरी में आया, हम केंद्र सरकार कर्मचारी करके ही रिटायरमेंट मिला। ये तीनों मुद्दा चिट्ठी बना के राजनाथ सिंह को मीटिंग में हैंडओवर करने के लिए ये छह लोग दस्तक किया सुबह 10 बजे। फिर सब लोग बोला ठीक है 12:30 बजे हम लोग काम में साल में मिलेंगे। सभी लोग चले गए 12:30 बजे। हम लोग कानपुर साल में गया साउथ ब्लॉक में, 12:45 को मीटिंग था, 12:45 को आ गया राजनाथ सिंह। ये पूछी कहानी है। अब मिनिस्टर ने सेक्रेटरी को पूछा बाबा ये पूछी किसका पूछी कहानी है, कौन नहीं आया? तो मिस्टर राजकुमार सेक्रेटरी ने बोला साहब ये तो मिस्टर अशोक सिंह का पूछी है, वो अभी तक आया नहीं, उनके लिए इंतजार करूं नहीं तो मीटिंग का चालू करूं। मिनिस्टर ने बोला वो बाद में आएगा, उसका मतलब उनको मालूम है, वो लेकर आएगा करके उनको मालूम, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम। बोला वो आएगा तब तक आप मीटिंग शुरू करो। तो मीटिंग शुरू हुआ, राजनाथ सिंह जी ने बोला ये आश्वासन दे रहा हूं, वो आश्वासन दे रहा हूं, आपका सर्विस पूरा प्रोटेक्टेड है। उसका बाद फिर पाठक जी शुरू किया, पाठक जी ने विस्तार में बताया हम कॉर्पोरेशन को क्यों विरोध कर रहा है, क्या कारण बताया, एक्सा को हम विरोध कर रहा है, क्यों विरोध कर रहा है अभी बताया, आप हमारा सर्विस कंडीशन बदल नहीं कर सकता अभी बताया। अब चल रहा था कॉन्फ्रेंस चौड़ का दरवाजा ओपन करके वो आ गया अशोक सिंह जी, आ गया सीधा गया, एक साल एक प्लास्टिक पैकेट उसका हाथ में था, उसे एक साल निकाला डाल दिया उसका साथ, कुर्ता से एक छोटा पैकेट दिया, बाबा साई बाबा मंदिर का प्रसाद है अपरा हम लोगों को डाउन कर दिया। ये ले जा रहा है उसका मतलब इधर आने का पहले राजनाथ सिंह का दफ्तर भी नहीं था अकेला। मिनिस्टर बोल रहा है वो आएगा आप फोन करो, उसका मतलब ये सब सेटअप है ना, हम पहले जाएंगे आप बात में आओ। हमने पाटिल जी को बोला बाप रे ये कुछ गड़बड़ चल रहा है, बाइडन इन्होंने कॉर्पोरेशन को सपोर्ट करेगा को कॉर्पोरेशन का फेवर में बोल रहा को हम लोग को बहुत एम्बरेसमेंट होगा, हम लोग उसको गिलाफ में बोलना पड़ेगा कंपल्सरी हम लोग को पास। उन्होंने ऐसा कॉर्पोरेशन का सपोर्ट में कुछ बोला तो नेचुरली भी हमको चल ये हम तो अपोस हम लोग उसको विरोध करना है। तो पाठक जी का रिपोर्टिंग के बाद फिर हमारा रिपोर्टिंग आया, हमने भी हम लोग हमारा तरफ से क्या क्या बोलना है मिनिस्टर को पूरा बोल दिया। फिर आ गया अशोक सिंह का टर्न, एकदम सीधा बोल मिनिस्टर साहब आपने बोला कॉर्पोरेशन सरकार का निर्णय है वापस नहीं होगा, आपने बोल दिया पार्लियामेंट में एक्सा पास हो चुका है इसलिए वापस नहीं होगा, इसलिए हम कॉर्पोरेशन को सपोर्ट। सेम सेम इतना ओपन गदारी लोग गदारी करता है लेकिन कुछ लोग अंडरग्राउंड में करता है, लेकिन ये तो ओपन ले आके उधर डिक्लेयर कर दिया सरकार वापस नहीं लेगा इसलिए हम सपोर्ट करते हैं।
इमीडिएटली आपने बोला साहब, मिनिस्टर साहब, दिस इज द पर्सनल ओपिनियन ऑफ मिस्टर अशोक सिंह, दिस इज नॉट अवर कलेक्टिव ओपिनियन, दिस इज नॉट अवर कलेक्टिव विजडम। सुबह 10 बजे दस्तखत कर रहा है कॉर्पोरेशन के खिलाफ में, 12:50 को आगे बोल रहा है हम कॉर्पोरेशन को फेवर कर रहा है। इस 2 घंटे का बीच में क्या हो गया हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन वी आर नॉट सपोर्टिंग दिस ओपिनियन, वी आर अगेंस्ट कॉर्पोरेटाइजेशन, वी आर अगेंस्ट सेक्टर, वी आर